पहले विरोधी सुर और अब घर के हो गए हैं तो जुबान बिल्कुल बदल गई है। कहते हैं दिल्ली की सियासी गद्दी का रास्ता वैसे उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, इसी वजह से जितिन प्रसाद के नाम की चर्चा काफी ज्यादा है और उसमें यूपी का ब्राह्मण वोट बैंक एक अहम रोल अदा करता है और ब्राह्मण वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश बीते 1.5-2 सालों से ब्राह्मण एकता परिषद के जरिए जितिन प्रसाद करते रहे हैं। यूपी में आपको बताते चले करीब 11 से 14% के आसपास ब्राह्मण वोट हैं जो कि सरकार बनाने में बड़ा रोल अदा करते हैं। 21 मुख्यमंत्रियों में से 6 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण रहे हैं जिसमें 3 बार नारायण दत्त तिवारी ने कमान संभाली। फिलहाल मोदी मंत्रिमंडल में 11 केंद्रीय मंत्री ब्राह्मण हैं जबकि पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी पहली केंद्र सरकार में 7 ब्राह्मण मंत्री थे जो कि उस मंत्रिमंडल का 30% था। और यहां पर अब हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण ने बीजेपी का कितना साथ दिया है इसको भी समझिए। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2007 में 40%, 2012 में 38% और 2017 आते आते 80% ब्राह्मण मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। यानी योगी सरकार के प्रचंड बहुमत में ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा योगदान माना गया जैसा कि यहां पर आप देख भी रहे हैं। आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यूपी के ब्राह्मणों का रुझान तेजी से बीजेपी की ओर झुका। मोदी के मैदान में आने के बाद 2014 में जहां 72% यूपी के ब्राह्मण बीजेपी के साथ आ गए तो वहीं 2019 में ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़कर 82% तक पहुंच गया और यूपी में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मोदी सरकार 2 बार प्रचंड सीटों के साथ सत्ता पर काबिज हो गई। तो ये स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं विधानसभा की और लोकसभा की। 11 से 14% के आसपास ब्राह्मण मतदाता और उन्हीं को लुभाने में रुझाने में लगातार भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। इन सब के बीच सियासत में यूं भी कभी कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता, जो कुछ भी होता है उसके अपने मतलब और मायने होते हैं। जितिन प्रसाद को लेकर लगातार कयासों का बाजार भी गर्म रहा था। वैसे जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने के अपने मायने हैं। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और माना यह जा रहा है कि ब्राह्मणों में एक बड़ा तबका मुख्यमंत्री योगी से नाराज है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी चुनाव में किसी भी तबके को नाराज नहीं करना चाहेगी और जब उसको इस तरह का शानदार प्रचंड बहुमत ब्राह्मणों का मिला हुआ हो, ऐसे में अगर नाराज ब्राह्मणों को समझाने और अपने पाले में लाने का काम जितिन प्रसाद को मिले तो फिर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बस्ती में बदमाश प्रदीप पांडे का एनकाउंटर, लखनऊ में बदमाश सुनील शर्मा का एनकाउंटर, लखनऊ में बदमाश राकेश पांडे का एनकाउंटर, बिकरू कांड के अपराधी विकास दुबे का एनकाउंटर, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा, उमाकांत तिवारी का एनकाउंटर, इन सारे नामों में 2 बातें मिलते जुलते थी। पहली ये कि ये सारे बदमाश थे और दूसरी ये कि ये सारे ब्राह्मण थे। यूपी पुलिस ने अपराध को समाप्त करने में भले ही जाति धर्म न देखा हो लेकिन ब्राह्मणों के तबके में ये मैसेज बहुत तेजी से गया कि यूपी में चुन चुन कर ब्राह्मणों का एनकाउंटर किया जा रहा है और ये मैसेज किसी और ने नहीं जितिन प्रसाद जैसे विपक्षी नेताओं ने ही दिया जो आज से पहले कांग्रेस में थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि CSDS के सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया, 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72% ब्राह्मणों ने वोट दिया था। जाटव और यादव के साथ ब्राह्मण समुदाय प्रदेश का सबसे बड़ा वोट बैंक है। यही वोट बैंक बीजेपी का डर भी है और योगी सरकार के दोबारा सत्ता में आने का साधन भी। ब्राह्मण समाज में यूपी का वोटिंग पैटर्न बदलने की क्षमता है। जाहिर सी बात है कि इनकी नाराजगी बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए जितिन बाबू के कंधे पर बीजेपी का अंगवस्त्र डाला गया। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा बनवाएंगे। BSP के मुखिया मायावती ने भी ब्राह्मणों को उचित सम्मान दिलाने की बात पहले ही कही थी। यानी रस्सा कसी तेज हो रही है। इस रस्सा कसी में बीजेपी ने अपना दांव चल दिया है। अब देखना यह होगा कि जितिन प्रसाद को बीजेपी किस तरह से यूपी में प्रयोग में लाएगी। साथ ही सवाल ये भी है कि जितिन प्रसाद को सूबे में कोई जिम्मेदारी मिलेगी या ज्योतिरादित्य की तरह उन्हें भी राज्यसभा भेजा जाएगा। दिल्ली से मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।